यस हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब कोई? आई एम सीएस इशिका अग्रवाल, और जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो, एम आई प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल और नॉट? हाय प्रनीता, हाय रचिता, हाय अनिकेत, हाय निक। जल्दी से क्लास की लिंक अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए, सबको बता दो हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। जस्ट विल स्टार्ट अवर लेक्चर इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। नमस्ते जी निक, हाय आकांक्षा, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब कोई? केम छो मजा मा? हाय विवेक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ लिंक शेयर कर दो और सबको बता दो हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। हाय प्यारी मैम, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? शिवम जी, ये लोग गॉर्जियस मैम। ये मस्का लगाने का नया टेक्निक है क्या? थैंक यू सो मच आकांक्षा। हाय सृष्टि, अवंतिका, शिवानी, मयूरी, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। क्लास की लिंक जो है सबको शेयर कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दो, सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन। यस पीपल, हेलो पिंकी मैम, हाय गायू, हाय निक, हाय रूही, हाय सुशील, हाय रचिता, हाय दीपिका। 18 से एग्जाम है कॉलेज के, मैराथन भी है। मैम कुछ बताओ ना मेरे लिए, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप मैराथन जो है एग्जाम के बाद देख लेना, एग्जाम के बाद रिमेनिंग मैराथन कवर कर लेना, और जो छूट जाएगा उसको आप बैकअप देख लेना। कॉलेज का एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, बस एग्जाम वाले दिन ही पढ़ लोगे तो काफ़ी है, उतना में हो जाओगे पास। यस यस, बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट हुई है, कितनी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। गारंटेड पास, गारंटेड पास, यस, थैंक यू सो मच शिवानी। यस बट कॉलेज भी करना पड़ता है मैम, क्योंकि 1 वीक ना जाओ तो नेम कट कर देते हैं। देखो आपको कॉलेज और सीएस साथ साथ में मैनेज करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ ईटी है, एग्जीक्यूटिव में तो और ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बीकॉम के साथ अगर सीएस कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, सभी वैसे ही करते हैं, तो यू हैव टू गिव मोर प्रायोरिटी टू सीएस एज कम्पेयर टू बीकॉम। बीकॉम के लिए उतना ही पढ़ो जितना पास होना है, क्योंकि बीकॉम का कोई आपसे परसेंटेज नहीं पूछेगा, बट सीएस का मैटर करेगा आपका, सीएस का एक एक अटेम्प्ट आपका मैटर करेगा। और सीएस का जो सिलेबस होता है वो बीकॉम का जो सिलेबस होता है वो सीएस में कवर्ड होता ही है, तो बीकॉम का बहुत ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है? बीच बीच में चल जाना एक दो दिन, जितना मिनिमम अटेंडेंस के लिए रिक्वायर्ड होगा। बाकी आप सीएस की क्लास पे फोकस करो, जितना आप सीएस की क्लास ज़्यादा कर सकते हो उतना सीएस की क्लास ज़्यादा अटेंड करो, राइट? यस यस, चलो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो ठीक है, अब हम लोग आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, लास्ट के थोड़े से ही टॉपिक बचे थे, उसे हम कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली हमने इसमें चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन का, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ योर बेसिक ग्रामर। एंड इसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, पूरे पार्ट्स ऑफ द स्पीच ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद हमने प्रिफिक्स सफिक्स कर लिया था, उसके बाद हमने पंक्चुएशन चालू किया था, राइट? प्रिफिक्स सफिक्स के बाद वी स्टार्ट विद द पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में आई गेस हमारा फुल स्टॉप हो गया था, कॉमा हो गया था, फुल स्टॉप एंड कॉमा हमारा हो गया था। व्हाट से कहाँ तक हो गया था? मैं बहुत अच्छी हूँ अंशु, आप कैसे हैं? आप लोगों को हम पास करा कर रहेंगे, बस क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना, सारे हाइफ़न चालू करना है आज। ग्रेट, ओके, थैंक यू अनिकेत, ठीक है। ठीक है,
मयूरी आप एक दिन जाकर के बुक लेके आ जाना, बाकी दिन ऑनलाइन देख लेना अगर आपको बहुत ज्यादा दूर पड़ता है तो। ठीक है चलो, अब इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे हाइफ़न से। तो फटाफट से अपना ICSI का स्टडी मटेरियल खोल लीजिए और पेज नंबर 30 में आ जाइए। फटाफट से अपना ICSI का पेज नंबर 30 खोल लीजिए, बिजनेस कम्युनिकेशन पेज नंबर 30, बिजनेस कम्युनिकेशन पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30। एवरीवन कम टू पेज नंबर 30, बिजनेस कम्युनिकेशन का पेज नंबर 30। चलो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे पंक्चुएशन। मैडम पंक्चुएशन हमारा टॉपिक चल रहा है, पंक्चुएशन वाला। पंक्चुएशन मतलब क्या होता है? जो एक सेंटेंस को ज्यादा अच्छी तरीके से समझने में मदद करता है उसे हम कहते हैं पंक्चुएशन। जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफेन, कोलन, सेमी कोलन, कोटेशन मार्क्स, अंडरलाइन, स्पेस, इटैलिक्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सारे आपके पंक्चुएशन होते हैं। तो फुल स्टॉप क्या होता है, कोमा क्या होता है, ये हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है हाइफेन क्या होता है। तो आप लोग ने ये छोटा सा डैश देखा होगा, जैसे इवन ये भी हाइफेन है, जैसे ये छोटा सा एकदम जो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं पतला सा डैश देखते होंगे आप जब दो वर्ड्स के बीच में, तो उसे हम हाइफेन कहते हैं। हाइफेन जैसे ये देख रहे हो, क्वाजी जुडिशियल के बीच में हमने छोटा सा डैश लगा दिया है। जैसे यहाँ पर देखो, क्वाजी जुडिशियल के बीच में हमने छोटा सा डैश लगा दिया है, ये क्या है आपका हाइफेन है, ये क्या है आपका हाइफेन है। अच्छा मैडम, तो अब ये तो हमें पता है हाइफेन होता क्या है, बट हमने बहुत ज्यादा डिटेल में कभी सोचा नहीं होगा कि हाइफेन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाइफेन जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हाइफेन इज यूज बिटवीन वर्ड्स टू क्लैरिफाई द मीनिंग। इट्स ऑल्सो लिंक अ वर्ड टू फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड। यानी कि जब आपको किसी दो वर्ड को जोड़ करके कंपाउंड वर्ड बनाना होता है तो वहां आप अपन हाइफेन का यूज करते हैं। जैसे कि आपको सेमी और गवर्नमेंट को जोड़ करके एक वर्ड बनाना है, सेमी गवर्नमेंट, तो बीच में आप हाइफेन लगा दोगे, सेमी हाइफेन गवर्नमेंट। जैसे कि सेमी सेमी एक वर्ड है आपका। व्हाट हैपेंड टू दिस पेंसिल? हाँ फाइन, इट्स वर्किंग नाउ। यस, जैसे आपका एक वर्ड है सेमी और आपका एक वर्ड है गवर्नमेंट, मुझे इन दोनों को जोड़ करके एक वर्ड बनाना है सेमी गवर्नमेंट। तो मैं इसको हाइफेन से जोड़ दूंगी, बीच में हाइफेन लगा दूंगी, सेमी गवर्नमेंट। जैसे सेल्फ अपॉइंटेड, आई एम सेल्फ अपॉइंटेड, तो सेल्फ एक वर्ड है, अपॉइंटेड एक वर्ड है, मुझे इन दोनों को जोड़ करके कंपाउंड वर्ड बनाना है, तो मैं बीच में हाइफेन लगा दूंगी। तो मोस्टली आप हाइफेन का यूज कहाँ करते हैं, कोई दो वर्ड को जोड़ करके कंपाउंड वर्ड बना रहा है वहां पर आप यूज करते हो। जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग बहुत क्लियरली बताना होता है वहां पर भी आप हाइफेन का यूज करते हो। किसी वर्ड का मीनिंग क्लियरली बताने के लिए भी हाइफेन का यूज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ मैडम, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आपको यूजेस ऑफ हाइफेन दिए हुए हैं, यहाँ पर पेन से लिख लेना अपने बुक में यूजेस ऑफ हाइफेन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप्रोक्स 12 यूजेस ऑफ हाइफन दिए हुए हैं। पहला आपको प्रिफिक्स के लिए भी यूज होता है, जैसे ट्रूथ। अब ट्रूथ यानी सच, अब आपको बोलना है नहीं सच नहीं, आधा सच, आधा सच, तो आप ट्रूथ के आगे प्रिफिक्स लगाना चाहते हो, हाफ ट्रूथ बोलना चाहते हो, तो वो आप प्रिफिक्स लगाने के लिए भी हाइफन का यूज कर सकते हो। जैसे पार्टनर, जैसे गर्लफ्रेंड, आप एक्स गर्लफ्रेंड लिखे हो, कैसे लिखते हैं एक्स गर्लफ्रेंड? ऐसे लिखते हैं ना, एक्स गर्लफ्रेंड कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, बीच में हाइफन होता है ना। अब जैसे गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के आगे आपको प्रिफिक्स डालना है एक्स, कि भैया एक्स है, एक्स एक्स गर्लफ्रेंड, तो हाइफन डालते हो ना, हाइफन। जैसे बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, वाइफ एक्स वाइफ, तो यहाँ पर आप वाइफ के आगे प्रिफिक्स लगा रहे हो एक्स, तो उसे आप हाइफन लगा करके लगाओगे। प्रिफिक्स लगाने के लिए हाइफन का यूज होता है। नेक्स्ट, बिफोर अ फ्यू सफिक्स वेयर द लास्ट अल्फाबेट ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द सेकेंड वर्ड आर द सेम मीनिंग। जैसे बुल लाइक, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, बुल लाइक में बुल एंड किससे हो रहा है? एल से। लाइक चालू किससे हो रहा है? एल से। तो अगर आप इसे जोड़ दोगे तो लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, बुल लिक बुल लाइक,
मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि ये एंड भी एल से हो रहा है, ये चालू भी एल से हो रहा है, तो इसके बीच में आप हाइफन लगाएंगे, जैसे गेट टुगेदर बोलते हैं ना, ओ वी हैड अ गेट टुगेदर टुडे, गेट टुगेदर, तो गेट टुगेदर आपका वर्ड है, या जैसे अपन बोलते हैं ना गेट टुगेदर, तो गेट टुगेदर जैसे एंड हो रहा है टी से, गेट जो है वो एंड हो रहा है टी से, टुगेदर जो है वो चालू हो रहा है टी से, गेट जो है आपका वो एंड हो रहा है टी से, टुगेदर जो है वो आपका चालू हो रहा है टी से, अब दोनों सेम वर्ड है, अगर हम इसे ऐसे लिख देंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सिंपली गेट टुगेदर ऐसे लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये एंड भी टी से हो रहा है, ये चालू भी टी से हो रहा है, तो हम बीच में हाइफन लगा देंगे ना, क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरा, हम हाइफन का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ मेन पार्ट ऑफ द वर्ड बिगेन्स विद कैपिटल लेटर, जहाँ बीच में आपको कैपिटल लेटर से चालू करना है, जैसे अगर आप एंटी इंडियन बोल रहे हो, तो अब इंडियन जो है वो आपका, ये आपका कॉमन नाउन हो गया, तो ये जो है ना ये आपका कैपिटल लेटर से ही चालू होगा, ये आपका कैपिटल लेटर से ही चालू होगा, इंडियन जो है, इंडिया कभी भी आप कंट्री का नाम लिखते हो तो आप उसको कैपिटल लेटर से चालू करते हो ना, तो इंडिया लिख रहे हो तो वो कैपिटल से ही चालू होगा। अब अगर आप एंटी इंडियन लिख रहे हो, एंटी इंडियन, तो यहाँ पर आप एंटी लिख करके इंडिया तो कैपिटल से ही चालू होगा, तो बिना हाइफन लगाए कैसे लिखोगे एंटी इंडियन, एक एक ही वर्ड के बीच में कैपिटल कैसे डाल दोगे, नहीं डाल सकते ना, तो इसलिए बीच में हम हाइफन लगा देते हैं, जैसे एंटी के बाद हमें इंडियन लिखना है, लेकिन इंडियन का आई हमें कैपिटल करना है, तो हाइफ़न लगा दो और फिर कैपिटल से लिख दो इंडियन। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? मैम सिर्फ गूगल फॉर्म फिल करने के बाद ही बुक आएगी ना? यस यस, जो जो गूगल फॉर्म फिल करेगा उसे बुक आएगी। यस ग्रेट, सबको समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जब आप किसी वर्ड के बीच वाला, वर्ड के बीच में जो मेन वर्ड है उसे, जैसे अन अमेरिकन, अमेरिकन है आपको कैपिटल से चालू करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, अन अमेरिकन आपको लिखना है तो बीच में हाइफ़न डाल दो। दूसरा, व्हेन प्रीफिक्स इज रिपीटेड, जब आपका प्रीफिक्स रिपीट हो रहा है, जैसे सब सब कमिटी, सब सब कमिटी आपको बोलना है, सब कमिटी की भी सब कमिटी, तो कैसे लिखोगे, सब सब कमिटी, तो सब दो बार रिपीट हो रहा है ना, प्रीफिक्स दो बार रिपीट हो रहा है, सब सब कमिटी प्रीफिक्स दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम हाइफन का यूज करेंगे। पांचवा, जब आप एक नाउन और वर्ब को यूज करके कंबाइंड वर्ड बनाते हो, तो वहां पर भी हम हाइफन का यूज करते हैं, जैसे हैंड हेल्ड, हैंड आपका नाउन है, हेल्ड आपका वर्ब है, जैसे हैंड पिक, हैंड पिक, हैंड आपका नाउन है, पिक आपका वर्ब है, अब आपको हैंड पिक्ड, जैसे मान के चलो ऑल दिस ग्रेन्स आर हैंड पिक्ड, तो हैंड पिक मैंने कंबाइंड वर्ड बनाया है एक नाउन और एक वर्ब को जोड़ करके, तो जब आप एक नाउन और एक वर्ब को जोड़ करके कंबाइंड वर्ड बनाते हैं तो वो हम हाइफ़न से जो है उसे सेपरेट कर देते हैं। उसी तरह जब आप एक एडजेक्टिव और एक नाउन का यूज करके कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, वहां पर भी जो है आप हाइफ़न का यूज करते हैं, जैसे ब्लू पेंसिल, कैसी पेंसिल, ब्लू पेंसिल, कैसी पेंसिल, ब्लू पेंसिल, तो ब्लू आपका एडजेक्टिव हो गया, पेंसिल आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पर आप ब्लू पेंसिल कैसे लिख सकते हो, हाइफ़न डाल करके लिख सकते हो, ठीक है, तो नाउन और एडजेक्टिव मिला करके कंबाइंड वर्ड बनाना है, वहां पर भी हाइफ़न का यूज होता है, नाउन और वर्ब यूज करके बनाना है, वहां पर भी हाइफ़न का यूज होता है, जब आप दो एडजेक्टिव साथ में यूज करते हो, जैसे ओल्ड फैशन, रेड ब्लडेड, रेड भी एडजेक्टिव है, ब्लडेड भी एडजेक्टिव है, तो रेड ब्लडेड दो एडजेक्टिव एक साथ बोल रहे हो तो वहां पर भी आप हाइफन का यूज कर सकते हो। जब आप कंबाइंड वर्ड बना रहे हो, कंपाउंड वर्ड, सेम सोशियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स में सुने होंगे, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, डेफ म्यूट, डेफ म्यूट, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, तो यहाँ पर अपन हाइफन का यूज करेंगे। उसके बाद अगर आप अगर आप नंबर्स बोल रहे हो, नंबर्स बोल रहे हो 21 से 99 के बीच में, तो यहाँ पर भी हम हाइफ़न का यूज़ करते हैं, जैसे 31, 31 आप लिखोगे तो बीच में हाइफ़न का यूज़ करोगे, नंबर्स लिखते टाइम, जैसे 55, 55 यहाँ पर भी आप हाइफ़न का यूज़ करोगे, जैसे मान के चलो 98,
98, 98 ऐसे नहीं लिखोगे, बीच में हाइफ़न डालोगे, 90-8 ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद कई सीरीज का स्टार्टिंग एंड पॉइंट बताने के लिए भी हम हाइफ़न का यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो आप बोल रहे हो ये ट्रेन है, ये दिल्ली से चालू होती है और जयपुर जाती है, तो आप क्या करोगे, दिल्ली हाइफ़न जयपुर। जब आप दिल्ली हाइफ़न जयपुर डालोगे ना, तो समझ जाएंगे कि ये जो ट्रेन है दिल्ली से स्टार्ट होती है, जयपुर में जाके खत्म होती है, जयपुर में जाके रुकती है। तो किसी चीज़ का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट बताने के लिए भी हम बीच में हाइफ़न डाल देते हैं, दिल्ली हाइफ़न जयपुर। तो हम समझ जाएंगे कि ये हाईवे, ये ट्रेन दिल्ली में चालू होती है, जयपुर में जाके खत्म होती है, ठीक है। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए भी कई बार हम जो है हाइफ़न का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं करूँ इंडियन हाइफ़न हिस्ट्री टीचर कहूँ या इंडियन हिस्ट्री हाइफ़न टीचर कहूँ, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यूज़ किया इंडियन हाइफ़न हिस्ट्री टीचर, यानी कि हिस्ट्री वो टीचर हिस्ट्री की है और वो इंडियन है। और अगर मैं कहूँ इंडियन हिस्ट्री टीचर, यानी कि वो टीचर जो है ना, वो सिर्फ इंडिया इंडियन हिस्ट्री पढ़ाती है, तो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो कई बार कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए भी आप हाइफ़न का यूज़ कर सकते हो टू प्रिवेंट कंफ्यूजन। सेम पॉइंट जैसे कि रिक्रिएशन और रिक्रिएशन बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे अगर आप री हाइफ़न क्रिएशन लिखोगे ना, तो इसका मीनिंग अलग होता है, और सिंपली रिक्रिएशन लिख दोगे बिना हाइफ़न लगाए तो इसका मतलब अलग होता है। जैसे री हाइफ़न क्रिएशन मतलब फिर से क्रिएट करना, टू रिक्रिएट समथिंग फिर से किसी चीज़ को बनाना, फिर से किसी चीज को क्रिएट करना, तो उसके लिए हम लिखते हैं री हाइफेन क्रिएशन। लेकिन अगर आप सिंपली रिक्रिएशन लिखोगे ना विदाउट एनी हाइफेन, उसका मतलब होता है अपने आप को रिलैक्स करना, इंजॉय करना, रिफ्रेश करना, मतलब अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना, रिफ्रेश करना, उसका मतलब होता है रिक्रिएशन, समझे। तो यहाँ पर एक हाइफेन नहीं लगाने से पूरा वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। रिक्रिएशन मतलब अलग होता है और री हाइफेन क्रिएशन मतलब अलग होता है। तो ये सारे आपके यूजेस होते हैं हाइफ़न के। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। हाय श्रेष्ठा, आई रिमेम्बर, आप मेरी जनवरी अटेम्प्ट की बच्ची हो। यस। हाय सनिका, मैम ये ग्रामर सीए फाउंडेशन में भी यूजफुल होगा ना? और नहीं, सीए फाउंडेशन में ना बाकी सारा ग्रामर है, ये वाला नहीं है, पंक्चुएशंस नहीं है सीए फाउंडेशन में, बाकी नाउन प्रोनाउन एंड ऑल ग्रामर है, पंक्चुएशन नहीं है। तो नाउन प्रोनाउन बाकी टॉपिक आप देख सकते हो, ये वाला टॉपिक नहीं है सीए फाउंडेशन में। मैम मेरे डिस्टेंस पुणे है, लेकिन मैं क्लास से दूर, बहुत दूर हूँ, तो आप एक बार उनको कॉल करके पूछना, वो आपको बता देंगे। मैम बस लेक्चर करने से हो जाएगा ना? हाँ लेक्चर में आपको बताएंगे, लेक्चर अटेंड कर लेना, समझ समझ के पढ़ना क्लास में सब, और लेक्चर्स के बाद जो एमसीक्यू मैराथन होगा वो कर लेना, और जो टेस्ट सीरीज कराएंगे वो कर लेना, तो हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन छोटी करना लिखना है मैम, अच्छा लिख लो, सॉरी, ये ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैम एमसीक्यू बुक, एमसीक्यू बुक के कभी तक नहीं आएगा, पीडीएफ सेंड कर दो ना, कभी तक नहीं आएगा एमसीक्यू बुक का पीडीएफ, ठीक है। भेज दूंगी, टेलीग्राम पर भेज दूंगी। ग्लैड टू नो आपको मैं याद हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरे ऑलमोस्ट सारे बच्चे याद है, ठीक है। आप लोग बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे सीएसईटी जनवरी के। यस मैम बुक अभी तक नहीं आया, आ जाएगा, प्रिंट करवा लो, जब तक कुछ चैप्टर्स प्रिंट करवा लो उससे पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो है हमारा, सेमी कॉलन क्या होता है, बहुत बार सुना होगा आपने, देखा होगा, यूज भी किया होगा। जब ऐसे सांप काट देता है तो ऐसे दो बिंदु हो जाते हैं, जिसे मैं कोलन बोलती हूँ। ऐसे सांप काट देता है तो ऐसे ऐसे डसता है तो ऐसे दो बिंदु दिखते हैं ना, तो वो आपका कोलन हो जाता है, और नीचे वाले बिंदु को आप थोड़ा सा खींच दोगे नीचे, तो वो सेमी कोलन बन जाएगा। बहुत ही वाहियात सा मेमोरी टेक्निक था, बट मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, झेल लो थोड़े से पीजे मेरे, ठीक है। तो सेमी कोलन यानी जब आपका ये जो आप यूज करते हैं ना, ये एक बिंदु और एक बिंदु और एक कॉमा, तो ये होता है आपका सेमी कोलन। सेमी कोलन आप कहाँ यूज करते हो, जब आपको एक सेंटेंस में दो पार्ट को सेपरेट करना होता है या दो क्लॉजेस को सेपरेट करना होता है, तो वहां पर आप सेमी कोलन का यूज करते हो। तो बेसिकली वेयर सेमी कोलन इज यूज, सेमी कोलन इज यूज टू सेपरेट टू और मोर क्लॉजेस इन द सेंटेंस। अब क्लॉज क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस का ही पार्ट
होता है। तो जब आप किसी क्लॉजेस को एक सेंटेंस में सेपरेट करते हो तो उसके लिए आप सेमीकोलन का यूज करते हो। इसके अलावा सेमीकोलन का यूज और भी बहुत सारी जगह होता है, जैसे वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। वर्ड्स को, सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है, जैसे कि दोज प्रेजेंट एट द फंक्शन इंक्लूडेड मिस्टर एंड मिसेस जैन कॉमा देयर चिल्ड्रन उषा कॉमा अमित एंड राघव, ठीक है, फिर सेमी कोलन, फिर पॉल एंड जो थॉमस, फिर सेमी कोलन, फिर राज एंड रवि मल्होत्रा, फिर सेमी कोलन, फिर कोनोलन एंड मिस्टर जेम्स देयर चिल्ड्रन जो तश्ना जूली एंड जेम्स जूनियर। अब यहाँ पर देखो बीच बीच में सेमी कोलन क्यों यूज किया, क्योंकि वो अलग अलग फैमिली है। जैसे आप फंक्शन में किसको बुलाए हो, एक तो फैमिली को बताए हो जिसमें आएंगे मिस्टर मिसेस जैन, उनके बच्चे उषा अमित राघो राघो, तो ये एक फैमिली हो गई। अब आप दूसरी फैमिली बता रहे हो और कौन कौन आएगा, तो आप सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए यहाँ सेमी कोलन डाल दिए, सेमी कोलन डाल दिए, फिर दूसरा ग्रुप बता रहे हो कि पॉल और जो थॉमस भी आएंगे, फिर तीसरा ग्रुप बता रहे हो तो फिर सेमी कोलन डाल दिए कि राज और रवि मल्होत्रा भी आएंगे, फिर चौथा ग्रुप बता रहे हो तो सेमी कोलन डाल दिए फिर कोनलल मिस्टर जेम्स और उनके बच्चे जो तश्ना जूलियन जेम्स जूनियर ये लोग भी आएंगे। तो यहाँ पर देखो एक सेंटेंस में आपको अलग 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 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए भी आप सेमी कोलन का यूज जो है वो करते हैं। उसके अलावा कई बार आपको एक सेंटेंस में ना पॉज लेना होता है तो पॉज लेने के लिए भी हम सेमी कोलन का यूज करते हैं, जैसे कि ही वर्कड वेरी हार्ड हाउएवर ही डिड नॉट सक्सीड इन हिज एंडेवर, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की फिर भी वो जो है पास नहीं हो पाया, तो ही सक्सीड वेरी हार्ड, ये एक पॉजिटिव हो गया। फिर आप थोड़ा सा पॉज लेके बोल रहे हो कि फिर भी ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो आप बीच में सेमी कोलन डाल दो, फिर बोलो कि हाउएवर ही डिड नॉट सक्सीड इन हिज एंडेवर, यहाँ पर भी आप सेमी कोलन का यूज करते हैं। और कई बार कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए भी आप सेमी कोलन यूज करते हैं, जैसे कि इट इज अ सुपर कार हाउएवर इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ आप कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, पहले तो आप तारीफ कर दे रहे हो कि सुपर कार है, बहुत अच्छी है, सुपर कार है, फिर आप बुराई कर दे रहे हो कि यार बहुत महंगी है, यार जेब खाली हो गई, पूरी घर चला गया मेरा इसमें, ठीक है कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप इसे सेमी कोलन से सेपरेट करोगे कि इट इज अ सुपर कार सेमी कोलन हाउएवर इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। तो ये सारे आपके यूजर्स होते हैं सेमी कोलन के। यस यस मैम, मैं सीए और सीएस साथ में कर रहा हूँ, कैसे मैनेज करूँ, बस काम करते चले जाओ पास हो जाओगे, पढ़ाई करते चले जाओ, आज सब खत्म कर दो मैम। हाँ आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोलन, कोलन जो अभी मैं बोली थी ना, सांप काट देता है तो ऐसे दो बिंदु हो जाते हैं, ऐसे सांप डस देता है तो ये होता है आपका कोलन, दो बिंदु जो होते हैं ना, तो ये तो आप बहुत फ्रिक्वेंटली आप लोग ने यूज किया ही होगा। जैसे जब आपको किसी चीज की लिस्ट बतानी होती है, जैसे अगर मैं बता रही हूँ कि फॉलोइंग स्टूडेंट्स अटेंड इशिका मैम क्लास, फॉलोइंग स्टूडेंट अटेंड इशिका मैम्स क्लास, फॉलोइंग स्टूडेंट्स अटेंड इशिका मैम क्लास। अब मैं स्टूडेंट्स की लिस्ट बताने जा रही हूँ तो यहाँ पर मैं कोलन लगाऊंगी, यहाँ पर मैंने कोलन लगा दिया दो बिंदु, फिर उसके बाद मैं जैसे नंबर वाइज लिखूंगी कि वन निक, ठीक है, नंबर टू रूही, ठीक है, नंबर थ्री आकाश, संजना, ठीक है, अंजलि, अनिकेत, दीपिका, ऑल दैट। तो अब यहाँ पर देखो जब भी मेरे को लिस्ट प्रोवाइड करना होता है तो मैं यहाँ कोलन का यूज की, हाँ की, इसके अलावा बहुत सारी जगह आप कोलन का यूज करते होगे, आपको ध्यान नहीं आएगा, बट अभी आप देखोगे तो आप रियलाइज करोगे हाँ हाँ यहाँ पर भी हम कोलन का यूज करते हैं, यहाँ भी हम कोलन का यूज करते हैं। तो कई बार तो जब आपको लिस्ट देनी होती है कोई फर्दर तो उसके लिए आप कोलन का यूज करते हो। जब आप कोई कुछ बोल रहा है, जैसे मान के चलो मैंने कुछ बोला फिर रूही ने कुछ बोला तो हम दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तो मैंने कुछ बोला तो मैं लिखूंगी इशिका मैम कोलन, फिर मैंने क्या बोला, फिर रूही ने कुछ बोला तो मैं लिखूंगी रूही कोलन, फिर रूही ने क्या बोला। तो ये कुछ यूजेस हैं कोलन के, कोलन कहाँ कहाँ यूज होते हैं अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कोलन जो है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं।
जैसे कि सबसे पहले कोलन यूज होता है टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। जब आपको कोई चीज एक्सप्लेन करना होता है ना, उसके लिए आप कोलन यूज करते हो, जैसे कि दे डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, दे मस्ट बी टायर्ड। जैसे आप बोल रहे हो कि वो कल रात सोए नहीं, अब क्यों नहीं सोए, उसका आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि थक गए होंगे इसीलिए नहीं सोए होंगे, या नींद नहीं आई होगी। तो आप किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देते हो, वहां भी आप कोलन यूज करते हो। एग्जाम्पल देने के लिए आप कोलन यूज करते हो, जैसे कि टूडे दे फेस अनदर थ्रेट फॉर सर्वाइवल, मतलब आज उनको एक नया थ्रेट हुआ सर्वाइवल का, मतलब जीने का। और फिर आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हो कोलन करके स्टारवेशन, यानी जब भूख के मारे लोगों की जान जाती है ना, जिनको खाना नहीं मिल पाता है, उसे स्टारवेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए यूज करते हो, कोटेशन या डायरेक्ट स्पीच के लिए यूज करते हो। डायरेक्ट स्पीच यानी कि अगर मैं डायरेक्टली कुछ बोल रही हूँ, जैसे इशिका मैम ने बोला कि टुडे बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास विल बी एट 8:30, तो आप लोग जब बताओगे ना कि इशिका मैम ने ये बोला, तो आप मेरा नाम लिखोगे ऐसे, इशिका मैम, डायरेक्ट स्पीच, फिर कोलन लिख के बोल दोगे कि टुडे क्लास विल बी एट 8:30। तो इससे समझ जाएगा कि इशिका मैम ने वाली बात बोली है, जैसे मेरा नाम लिख दिया फिर कोलन के बाद कुछ लिख दिया है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये वाली बात जो है कि टुडे क्लास विल बी एट 8:30, ये किसने बोला है, ये इशिका मैम ने बोला है। इसके अलावा ना कोलन के कुछ और भी फंक्शन दिए हुए, एकदम चिंदी पुंदी, वेरी इजी। जैसे कि कोलन कहाँ यूज किया जाता है, टू अटेंड टू पॉइंट आउट द रीडर्स अटेंशन फॉरवर्ड। जब भी आपको एकदम ऐसे अटेंशन चाहिए होता है ना, अटेंशन अटेंशन, यस, अगर आपको जब भी बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है ना, तो वहां पर जो है आप कोलन का यूज करते हैं। जैसे कि दिस फंक्शन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन थ्रू द वर्ड्स ऑफ द ग्रामेरियन हेनरी फॉर्नियल, ही सेज दैट द फंक्शन ऑफ द कोलन इज दैट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स। इतना अच्छा, इसमें वर्ड्स का, इसमें कोलन का यूज नहीं किया हुआ है। जब भी आपको रीडर का अटेंशन चाहिए होता है, वहां आप कोलन डाल दोगे ना, तो फिर वो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाता है। तभी तो अपन एग्जाम में भी आंसर लिखते हैं तो कोलन डालते हैं। उसके बाद टू इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ लिस्ट, अभी मैंने आपको लिस्ट का एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं लिस्ट बना रही हूँ कि फॉलोइंग स्टूडेंट अटेंड माई CSET क्लास, तो वो आप लिस्ट बना रहे हो, तो उसके लिए भी आप कोलन का यूज करोगे। कंक्लूजन देने के लिए भी आप कोलन का यूज करते हैं, जैसे कि मिस्टर राजन रियलाइज दैट देयर वाज ओनली वन सर्टेनिटी इन लाइफ, द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज। लाइफ की एक ही सर्टेनिटी होती है, इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, तो उसके लिए भी जो है आप कंक्लूजन का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आप कोलन का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस के बाद जब आपको क्वेश्चन बोलना रहता है ना, तो बीच में आप कोलन का यूज कर सकते हो, जैसे कि दे ऑल अग्री दैट एसेंशियल इशू वॉज सिंपली दिस, वॉट इज द एसेंशियल इशू, विल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन स्वेटलैंड लिमिटेड बी अ मिस्टेक और नॉट। तो यहाँ पर आपने एक सेंटेंस बोला और आप सेंटेंस को एक क्वेश्चन से जोड़ रहे हो, तो जब आप एक सेंटेंस और एक क्वेश्चन को जोड़ते हो ना, तो आप बीच में यहाँ पर कोलन का यूज कर सकते हो। उसके बाद जब आप कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट बोलते हो, वहां पर भी आप कोलन का यूज कर सकते हो, जैसे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बहुत ही प्यारा कोट है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इसका मतलब क्या होता है कि हम बड़े प्लान्स बनाते हैं अपनी जिंदगी के लिए, बहुत सारे प्लान्स बना देते हैं, बट ना अल्टीमेटली होता वही है जो भगवान चाहते हैं। मतलब बोलते हैं ना डेस्टिनी, कि ये होना लिखा था, कितना भी प्लान कर लो, हर कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होना जाना है। तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस बहुत ही प्यारा कोट है, कि मैन तो बनाता है, प्रपोज करता है, अपना प्लान बनाता है, ये करूंगा वो करूंगा, ये करना है वो करना है, बट अल्टीमेटली इट्स गॉड जो है वो डिसाइड करता है कि आपका सक्सेस होगा, फेलियर होगा और क्या होगा। तो ये आपका एक कोट है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसको अपन ने सेपरेट कर दिया बीच में कोलन लगा करके। उसके बाद टू सेपरेट टू सब्स्टिट्यूट अ कंजंक्शन, कंजंक्शन को के साथ जो है आप कोलन का यूज कर सकते हो। कंजंक्शन यानी कि ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जैसे कि एंड हो गया, बिकॉज हो गया, ये सारे आपके कंजंक्शन होते हैं। तो अब जैसे अनदर मॉर्निंग, अनदर मंडे मॉर्निंग एंड इट्स पोरिंग, मतलब आज वही दूसरा मंडे है, अरे आज मंडे भी है, हाँ, एंड इट्स पोरिंग यानी कि बारिश हो रही है। तो आपका ये जो एंड है ना, ये कंजंक्शन है, इसके साथ भी एंड की जगह एंड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप कोलन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर एंड नहीं भी लिखोगे ना, तो चल जाएगा। अनदर मंडे मॉर्निंग कोलन
इट इज पोरिंग। उसके बाद हेडिंग के बाद आप यूज करते हो, जैसे याद है आप लेटर वेटर का फॉर्मेट लिखते हो, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लाइन लिखना है आपको, तो उसके बाद आप कोलन दोगे, रेफरेंस के बाद कोलन दोगे, लेटर वेटर में जब हेडिंग लिखते हैं फिर आगे भरना रहता है तो उसके बाद कोलन डालते हैं। सबटाइटल्स के लिए हम कोलन यूज करते हैं, आप मूवी वूवी देखते हो सबटाइटल्स आते हैं, इसने ये बोला उसने ये बोला, तो वहां भी कोलन रहता है। बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस में कोलन होता है, जैसे दिल्ली कोलन 2010। तो ये सारे बहुत ही बेसिक हैं कोलन के यूजेस। नेक्स्ट है आपका एपोस्ट्रॉफी, ये तो और छप रही है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी हम बहुत बार यूज किए हैं। इवन आप जैसे अगर आप इशिका मैम बोल रहे हो, यहाँ भी आप एपोस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हो, आप इशिका मैम बोलते हो, ठीक है, आपने इशिका मैम बोला, आपने इशिका मैम बोला, डोंट यू थिंक यहाँ आपने एपोस्ट्रॉफी का यूज किया, एम ए एपोस्ट्रॉफी ए एम, एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ ना, इशिका मैम, एम ए एपोस्ट्रॉफी ए एम। यहाँ एपोस्ट्रॉफी क्यों यूज हो रहा है पता है, एक लेटर को रिप्लेस कर रहा है। द एक्चुअल वर्ड इज मैडम, द एक्चुअल वर्ड इज मैडम, एम ए डी ए एम, द एक्चुअल वर्ड इज मैडम, एम ए डी ए एम। बट हम करते क्या, हम शॉर्टकट में लिखने के लिए डी को ना हम एपोस्ट्रॉफी से रिप्लेस कर देते हैं, डी की जगह हम एपोस्ट्रॉफी यूज कर लेते हैं, तो बोलने में जो है ना आसान हो जाता है, बोलने में आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैडम में ना डी जो है वो हट जाता है, डी की जगह हम एपोस्ट्रॉफी यूज कर लेते हैं, तो वो बन जाता है मैम, तो वो बन जाता है मैम, एम ए एपोस्ट्रॉफी ए एम। आप अगर एम ए एम लिख रहे हो ना वो गलत है, एम ए एम नहीं होता है, एम ए एम मैम नहीं होता है, मैम जो होता है ना वो एम ए एपोस्ट्रॉफी ए एम होता है। एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है मैडम, मैडम, एम ए डी ए एम। डी को हम साइलेंट करके, डी को हटा करके डी की जगह एपोस्ट्रॉफी यूज कर लेते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी यूजुअली आप लोग ने अपनी अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही होंगे, कभी भी आप किसी को भी मैसेज भेजते हो, हाँ देखो अपर्णा ने मैम लिख के भेज दिया, हेलो मैम, यस, तो यस यस तो इसके लिए भी जो है एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। जैसे जब आप बहुत सारे, अब एपोस्ट्रॉफी के यूजेस क्या क्या होता है, तो एक दो कुछ आपको 8-10 जो है एपोस्ट्रॉफी के यूजेस दिए हुए हैं। जैसे एक होता है पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन यानी ये मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि ये बॉटल मेरी है, तो ये दिस इज माई बॉटल, तो माई के लिए तो एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं हुआ। अब जैसे दिस इज वॉल्टर्स बुक, दिस इज हिमांशीज बॉटल, दिस इज हिमांशीज बॉटल, अगर मैं कह रही हूँ कि दिस इज हिमांशीज बॉटल, ये हिमांशी की बॉटल है, दिस इज हिमांशीज बॉटल, तो मैं कैसे कहूंगी, दिस इज हिमांशी एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस बॉटल। तो जब आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हो ना तो वो पोजेशन बताता है, पोजेशन यानी किसका है, तो दिस इज वॉल्टर्स बुक। तो ये जो है ना, ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है ना, ये बता रहा है कि ये बुक वॉल्टर की है, ये बुक वॉल्टर की है, दिस इज वॉल्टर्स बुक, समझ में आया। हाँ दूसरा, आप कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड यूज करने के लिए भी जो है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना, छोटा करने के लिए, जैसे कि शुड नॉट बहुत बड़ा वर्ड है, शुड नॉट को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, शुड नॉट दो अलग अलग वर्ड है, इसको छोटा करने के लिए हम शुडंट लिख देते हैं, शुडंट, शुडंट एक साथ लिख करके एन के बाद एपोस्ट्रॉफी टी, जैसे इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट को आप छोटा करके इजंट लिख देते हो, इजंट, इजंट एपोस्ट्रॉफी का यूज करके, करते हो कि नहीं। कैन नॉट, जैसे कि कैन नॉट, कैन नॉट बड़ा वर्ड है तो कैन नॉट को छोटा करके कांट लिख देते हो आप, कांट, कांट, आई कांट डू दिस, आई कांट डू डू दिस, कैन नॉट को छोटा करके कांट लिख देते हो, डिडंट, यस वेरी नाइस, डिड नॉट को छोटा करके डिडंट लिख देते हो। तो जब आपको किसी वर्ड को, वुड नॉट को छोटा करके वुडंट लिख देते हो, तो जब आपको किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी छोटा करना है, छोटा करना है, तो उसके लिए भी जो है आप एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, और कहाँ कहाँ कुछ रूल्स दिए हुए हैं आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज करने के लिए, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, कुछ रूल्स दिए हुए हैं आपको जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए एपोस्ट्रॉफी का यूज करते समय। जैसे पहला है, एपोस्ट्रॉफी कम्स बिफोर द एस इफ द नाउन इज सिंगुलर, अगर नाउन सिंगुलर है तो एपोस्ट्रॉफी एस के पहले आता है, ध्यान देना। मतलब आज तक आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट आज नोटिस करोगे तो एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि यूजुअली एपोस्ट्रॉफी अगर वर्ड सिंगुलर है तो हम एस के पहले यूज करते हैं। जैसे द गर्ल्स ड्रेस, उस लड़की की ड्रेस, उस लड़की की ड्रेस, द गर्ल्स ड्रेस। अब ये जो यहाँ पर आप गर्ल के बाद एपोस्ट्रॉफी डाले फिर उसके बाद एस डाले, यानी ये सिंगुलर है, यानी एक लड़की की ड्रेस,
उस एक लड़की की ड्रेस, यहाँ आप सिंगुलर बोल रहे हो, और अगर आपको इसी को प्लूरल बनाना है ना कि बहुत सारी लड़कियों की ड्रेस, तो आप एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाना। अगर आपको आपका नाउन जो है प्लूरल है ना, तो जो एपोस्ट्रॉफी लगेगा वो एस के बाद लगेगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा गर्ल्स लिख दिया, एस के बाद एपोस्ट्रॉफी है, बहुत बार आप लोग ने देखा होगा, ध्यान दिए कि नहीं पता नहीं, बट कई बार ना नाउन के एकदम लास्ट में एपोस्ट्रॉफी होता है। आपको लगता होगा नहीं नहीं एपोस्ट्रॉफी तो एस के पहले डालते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका वर्ड सिंगुलर है तो एपोस्ट्रॉफी के पहले ऐसा आएगा, अगर आपका वर्ड प्लूरल है तो एपोस्ट्रॉफी के बाद ऐसा आएगा। अब यहाँ पर गर्ल्स ड्रेस जो है, जहाँ हम एपोस्ट्रॉफी एस के पहले यूज कर रहे हैं, यानी हम बोल रहे हैं कि उस एक लड़की की ड्रेस, उस एक लड़की की ड्रेस, मान के चलो श्रद्धा कपूर की ड्रेस, ठीक है। अब अगर आप गर्ल्स ड्रेस बोल रहे हो, ये गर्ल्स ड्रेसेस, गर्ल्स ड्रेसेस, जहां आप गर्ल्स के बाद एस के बाद एपोस्ट्रॉफी डाल रहे हो ना, इसका मतलब बहुत सारी लड़कियों की ड्रेसेस, 10 लड़कियां मान के चलो, वो सारी ड्रेसेस वो सारी 10 लड़कियों की है, तो गर्ल्स ड्रेसेस, सॉरी गर्ल्स ड्रेसेस, समझ में आया। तो जब आपको पोजीशन बताना रहता है उसके लिए तो आप एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हो, बट प्लीज ध्यान रखना अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो एपोस्ट्रॉफी जो है एस के पहले यूज होता है, और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो एपोस्ट्रॉफी एस के बाद यूज होता है। उसके बाद आपका पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन के लिए जो है, जो एस से एंड होता है, उसमें आप एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, रिमेंबर पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि His, once, theirs, his, her, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए जो है हम, theirs, जैसे theirs हो गया, दिस इज theirs, पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर आप theirs लिखोगे ना, तो their एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लिखोगे, theirs लिखोगे। रिमेंबर प्रोनाउन हिज, हर्स, ये सब के लिए, पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए कभी भी एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है। उसके बाद अगर आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन है, एक्सेप्ट फॉर ईच, टेक एन एपोस्ट्रॉफी, ईच में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है, उसके अलावा जितने भी इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन यानी जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं, जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जैसे एनी वन, ईदर, वन, समवन, नोबडी, ये सारे आपके इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं, इनमें जो है हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे एनी वंस, ईदर्स, वंस, समवंस, जैसे मैं कह रही हूँ कि दिस इज समवंस बॉटल, मुझे पता नहीं किसकी है लेकिन किसी ना किसी की तो है, तो ऐसे दिस इज समवंस बॉटल यानी किसी की तो है, तो सबके साथ इनडेफिनाइट प्रोनाउन के साथ भी आप एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, बट ईच के साथ नहीं करते हैं। ईच के साथ आप एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं, जैसे दिस दिस स्कूल बिलोंग्स टू ईच वन ऑफ यू, अगर मैं कह रही हूँ स्कूल किसका है, आप सभी का है, तो यहाँ पर मैं ईच के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करूंगी। कई बार हम मिसिंग लेटर के लिए भी एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, जैसे सेम, इज नॉट, इज नॉट को छोटा करने के लिए ओ मिसिंग है तो एपोस्ट्रॉफी का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी, वर्ड को छोटा करने के लिए भी एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, जैसे कि 7 o'clock विल ओ द विस्प, 7 o'clock, एक्चुअल में क्या होता है, 7 of the clock, ठीक है, कि घड़ी के 7 बज रहे हैं, तो ऑफ, 7 of clock यानी घड़ी के 7 बज रहे हैं, तो ऑफ को हम छोटा करके क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं, 7 o'clock, तो 7 o को सिंपली नहीं लिखते हैं हम, लिखते हैं 7 o, अब एफ को हटा रहे हैं तो उसकी जगह एपोस्ट्रॉफी लिखेंगे, ओ एपोस्ट्रॉफी, फिर लिखेंगे क्लॉक, तो एक्चुअल में 7 o'clock, 8 o'clock, टाइम कैसे लिखा जाता है, टाइम लिखने के बाद ओ के बाद एपोस्ट्रॉफी लिखते हैं, फिर एपोस्ट्रॉफी के बाद क्लॉक लिखते हैं। तो जब आप कोई वर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे 7 o'clock, तो वो एक्चुअल में होता है 7 of clock यानी क्लॉक के 7 बजे, 7 of the clock, तो एफ की जगह आप क्या यूज करोगे, एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कई वर्ड्स में यूज होता है, जैसे मैडम, मैंने बताया ना मैडम, इशिका मैडम, तो मैडम हम नहीं बोलते हैं आजकल, हम क्या करते हैं, मैडम में ना डी की जगह, डी को हटा करके ना एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, तो वो मैम बन जाता है। उसके बाद हम कई बार कोई नंबर्स हटा देते हैं ना, तो उसकी जगह भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, जैसे जैसे 1960, बार बार 1960, 1960 नहीं लिखना पड़े, उसके लिए एपोस्ट्रॉफी लगा के 60 लिख देते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं, CSET May 23 ना, तो हम क्या करते हैं, मे एपोस्ट्रॉफी 23 लिख देते हैं,
May 2023, तो पूरा नहीं लिखते हैं 2023, हम क्या करते हैं शॉर्टकट में लिख देते हैं May apostrophe 23, तो अपने आप समझ में आता है कि यहाँ हम कुछ छोड़े हैं, 2023 की बात कर रहे हैं, समझ में आया। तो जब आप टाइम वगैरह आधा लिखते हो तो उसकी जगह भी कुछ चीजें हटाते हो, उसकी जगह एपोस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हो। और किसी के नाम में भी कई बार यूज होता है, जैसे साइरिल ओडोनल, ये फिरंगी लोग हैं ना, वो लोग अपने नाम को आधा कट करके ओ डाल देते हैं, जैसे मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड क्या है, पूरा नाम उसका मैक से कुछ है, बहुत बड़ा सा, मैक द सन ऑफ समथिंग समथिंग, तो उसका नाम को छोटा करके मैक लगा दिया, मैक। अब मैक के बाद एपोस्ट्रॉफी लगता है, देखना, मैक के बाद एपोस्ट्रॉफी लगता है, मैकडोनल्ड। मैक जो है आधा नाम है, पूरा नाम था कुछ बड़ा सारा, और नाम को पूरा नहीं लिख के आधा गायब करके एपोस्ट्रॉफी डाल दिया, मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ ये आधा नाम है, मैक एपोस्ट्रॉफी डोनल्ड, मैकडोनल्ड। और ये ध्यान में रखना कि जब हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं और जब हम एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करते हैं तो दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अगर आप इट्स लिखोगे ITS या ITS लिखोगे तो ये दोनों को जो है अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे अगर आप ITS लिख रहे हो तो ये एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहा है, कि जैसे जैसे कि जैसे कि जैसे कि एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन ना, जैसे इट्स हर चॉइस, हाँ, इट्स हर चॉइस, हाँ, इट्स हर चॉइस, अगर मैं कह रही हूँ तो यहाँ पर एक ये एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आप ये होता है ना ही शी इट, ये सारा ये हम एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो है एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। लेकिन ऑन दी अदर एंड जब आप ITS एस लिखते हो, इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज, समझ में आया। जब ITS एस लिखते हो ना, इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज, जैसे इट इज वाइट इन कलर या इट हैज मैग्नीशियम। सो ITS एस यानी जब आपको इट इज बोलना है या इट हैज बोलना है वहां पर यूज करोगे, इट्स जो है वो सिंपली एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है। तो ये सारे आपके यूजेस होते हैं किसके, एपोस्ट्रॉफी के, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। बस आपका लास्ट ही बचा है कोटेशन मार्क, उसके बाद जो है ब्रैकेट तो पढ़ने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। कोटेशन मार्क देखे होगे आपने, ऐसे जैसे जब हम कुछ स्पेशल बोलते हैं, कोई स्पेशल लाइन जिसमें मैं आप सभी का अटेंशन चाहती हूँ, तो उसे ना मैं डबल कोटेशन में डाल दूंगी, जैसे माई नेम इज इशिका अग्रवाल, माई नेम इज इशिका अग्रवाल, तो जैसे मैं अपना नाम बता रही हूँ, माई नेम इज वॉट, माई नेम इज इशिका अग्रवाल, ठीक है, तो मैं अपना नाम बता रही हूँ आपको, तो इसे जो है ना मैं कोटेशन में डाल दूंगी। कोई शायरी वायरी कह रही हूँ, मैं आपको ICSI का टैगलाइन बता रही हूँ, ICSI का मैं टैगलाइन बता रही हूँ, स्पीक द ट्रूथ अबाइड बाय द लॉ, स्पीक द ट्रूथ अबाइड बाय द लॉ। तो ये बहुत ही प्यारा सा हमारा दिल के करीब कोटेशन है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डाल देंगे डबल कोट्स में डाल देंगे, इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम डबल कोट्स में डाल देंगे, समझ में आया। जब आपको किसी वर्ड को हाईलाइट करना होता है ना, या फिर आप डायरेक्ट स्पीच बोलते हो, वहां पर हम लोग कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। कोटेशन का कहाँ यूज करते हैं, कोटेशन का हम यूज करते हैं जब हमें कुछ इंट्रोड्यूस करना होता है या फिर कुछ चीजें हाईलाइट करनी होती है, वहां पर हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। कोटेशन जो है वो आपका डबल कोटेशन भी हो सकता है, सिंगल कोटेशन भी हो सकता है। सिंगल यानी एक सिंगल होता है, डबल यानी दो इधर दो इधर, डबल में दो दो सिंग होती है, दोनों साइड इधर भी दो सिंग इधर भी दो सिंग। सिंगल कोटेशन में एक एक सिंग होती है, एक इधर, डबल में दो दो सिंग होती है, दोनों साइड दो 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 दो, ये इसका स्क्रीनशॉट कृपया करके ना ले, ठीक है। डबल में दो दो सिंग होती है और सिंगल वाले में एक एक सिंग होती है दोनों साइड, ठीक है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट लेके वायरल ना करें, कृपया इस सीन का स्क्रीनशॉट लेके वायरल ना करें, ठीक है, ठीक है। हाँ बस हो गया, 2 मिनट बस हो गया, ठीक है। मैम गूगल फॉर्म में पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो आपको व्हाट्सअप करके बता देंगे कल, बस आप गूगल फॉर्म भर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोटेशन। कोटेशन जब आपको डिफरेंस किसी चीज में बताना रहता है ना, वहां भी आप यूज करते हो, जैसे राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डेक्री, आपको एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, राइट द क्वेश्चन बिटवीन ऑर्डर एंड डेक्री, अब वो ना ऑर्डर वर्ड और डेक्री वर्ड पे फोकस करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो इसे ना वो डबल कोटेशन में डाल देंगे। उसके अलावा कई बार हमें एक्सप्रेशन बताना रहता है कि इन गुड ओल्ड डेज, एक एक्सप्रेशन बता रहे हो कि वो भी क्या दिन थे पुराने स्कूल के, बढ़िया गुड ओल्ड डेज, तो उसे आप भी कोटेशन मार्क में डाल देते हो। लास्ट आपका टॉपिक है ब्रैकेट, जो कि बहुत ही छपरी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ब्रैकेट यार, ब्रैकेट हम यूज करते ही हैं, सबसे कॉमनली हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, और एक ये वाला ब्रैकेट भी होता है स्क्वायर ब्रैकेट,
और एक ये वाला ब्रैकेट होता है जिसे हम कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये और इसका एक और नाम है। तो ये जो मोस्टली कॉमनली यूज ये वाला जो ब्रैकेट होता है ऐसे और ऐसा, इसे हम क्रेसेंट ब्रैकेट बोलते हैं, और ये वाले को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। ब्रैकेट्स क्यों यूज होता है, जब आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, तो वो आप ब्रैकेट में डाल देते हो। जैसे आपका एक होता है क्रेसेंट ब्रैकेट, क्रेसेंट ब्रैकेट क्यों यूज होता है, अब्रीविएशन देने के लिए जैसे आप यूज कर सकते हो, जैसे आपने बोला डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अब आपको उसका अब्रीविएशन देना है, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिख दो, फिर ब्रैकेट में डीसीए लिख दो। जैसे कि आपने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपको उसका अब्रिविएशन देना है, तो ऐसे लिख दो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर बार बार पूरा ना लिखना पड़े। इससे अच्छा क्या कर दो, ब्रैकेट में एसबीआई लिख दो, फिर आगे से आपको लिखना होगा ना, तो एसबीआई एसबीआई लिख दोगे तो चल जाएगा, पूरा फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको कई बार शॉर्टकट देने के लिए, अब्रिविएशन देने के लिए भी आप क्रेसेंट ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन देने के लिए भी आप ब्रैकेट का यूज करते हैं, जैसे द अग्रीमेंट वॉज वॉइड एब इनिशियो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े होगे ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े होगे ना कि द अग्रीमेंट वॉज वॉइड एब इनिशियो। अब वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किए होगे तो याद आना चाहिए, वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो ट्रांसलेशन देने के लिए आप जो है ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। आपको दूसरे टॉपिक से कुछ बताना है तो उसके लिए भी आप ब्रैकेट का यूज करते हो, जैसे एज डिपिक्टेड इन फिगर 1-1, आप रेफरेंस दे रहे हो कि इस पिक्चर को देखो, उस पिक्चर को, तो रेफरेंस दे रहे हो तो उसे आप ब्रैकेट में डाल दोगे, ठीक है। उसके अलावा जब आपको बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस देना होता है उसे भी आप ब्रैकेट में डालते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें ऐसे वर्ड्स इंक्लूड करने सेंटेंस में जो सेंटेंस का पार्ट नहीं है, जो सेंटेंस का पार्ट नहीं है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे आई अप्रिशिएट इट बट आई मस्ट रिफ्यूज, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ बट मैं मना करना चाहती हूँ, तो आई अप्रिशिएट इट बट आई रिफ्यूज। अब इट का मतलब क्या है, द ऑनर, तो उसे आप इसमें डाल दोगे स्क्वायर ब्रैकेट में। ये ना सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ये हम यूज कर रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको कि इट का मीनिंग क्या है, तो वो उसके लिए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा एक होता है आपका ब्रेस ब्रैकेट, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ये वाला जो है ब्रेस ब्रैकेट्स होता है, जो बहुत बार मल्टीपल चीजों से जब हमें सेलेक्ट करना होता है ना, तो उसके लिए हम ब्रेस ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। और एक होता है एंगल ब्रैकेट आपका, जो ऐसा और ऐसा होता है, ये मोस्टली ना कोडिंग वोडिंग में, गेम्स वगैरह में यूज होता है, वेबसाइट डोमेन वगैरह में यूज होता है एंगल ब्रैकेट, ऐसा ऐसा। जो बचपन में अपन HTML वगैरह नहीं लिखते थे, कोडिंग लैंग्वेज जावा पाइथन, वो सब में मोस्टली ये एंगल ब्रैकेट जो है यूज होते हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक होता है, चैप्टर होता है हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ, चैप्टर 1 बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ चैप्टर 1 पूरा समझ में आया कि नहीं, पूरा क्रिस्टल क्लियर। तो इसी के साथ जो है अपना 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, 4, 5, 6 एंड 1। 6 का एक लास्ट टॉपिक MIS बचा है, वो हो जाएगा एक एक 1.5 दिन में। सलोनी कह रहे हैं कि मैम इतना हार्डवर्क करने के बाद भी क्लियर नहीं होता है, इट हर्ट्स, इतना हार्डवर्क करने का कोई फायदा होगा कि नहीं। देखो आप, फेलियर्स आएगा, कोई चीज आसान नहीं होती है, अगर सब चीज आसानी से मिल जाएगा तो इट्स नॉट लाइफ, फेलियर्स आएगा, आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, आप गिव अप मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप फेल हो रहे हो, अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा, और फिर जो है आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। राइट गाइडेंस की जरूरत है आपको, डेफिनेटली क्लियर करोगे। बस ये है कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप कोई भी कोर्स कर लो मुश्किल तो होगा, कोई कोर्स ईजी नहीं है, डॉक्टरी कर लो, इंजीनियर कर लो, CA, CS, CMA, MBA कर लो, CFA कर लो, FRM कर लो, कोई भी कोर्स कर लो, लाइफ में सक्सेसफुल होना है भाई। तो देखो डिफिकल्टीज तो आएंगी, अब वो आपके ऊपर है कि कितने स्ट्रांग हो आप, कितना पेशेंस है आपके में, कितने बार गिराएगी लाइफ में, वापस से उठ जाऊंगा, ठीक है, वही वाली बात है। तो कोई बात नहीं, हार नहीं मानना है,
डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स तो आता रहता है, बस अपने आप को जो है मोटिवेटेड रखना है कि नहीं मैं तो फोड़ लूंगी, मैं तो कर लूंगी, मैं तो कर लूंगी। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरी थॉट है। ठीक है, तो आई रियली होप कि आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, प्रॉब्लम कहाँ है उस पे वर्क करो, और इस बार अपना 100% दो। और कभी भी क्लियर नहीं हो ना, तो अपने आप से ये पूछना कि मैं अपना 100% दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये CSET की क्लास मैंने एग्जीक्यूटिव की गाइडेंस दे दी सलोनी को। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली CSET के बच्चे भी एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, और ये आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगा कि अभी मेहनत कर लो, मई में जो है बहुत बेहतरीन मार्क्स से आप लोगों का CSET क्लियर हो जाएगा, तो आप दिसंबर में बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूटिव दे पाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा वो चीज़। ठीक है ठीक है ठीक है। मैराथन में लंच ब्रेक होता है? हाँ होता है, टेंशन मतलब बीच बीच में आपको बहुत सारे ब्रेक्स मिलेंगे, लंच ब्रेक मिलेंगे, स्नैक्स ब्रेक मिलेंगे, सब मिलेगा। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर वन होता है कंप्लीट, कल से हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर टू। आज की क्लास जो है हम यही खत्म करते हैं। आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन एट 8 PM। टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।